Question है क्वेश्चन 6 एक्सरसाइज 1.3 का. लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर्स द फॉर्म p by q वेयर q नॉट इक्वल्स टू 0 वेयर p एंड q आर इंटीजर्स विद नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1 एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन एक्सपेंशन कैन यू गेस द प्रॉपर्टी q मस्ट सेटिस्फाई. आपको ये बताना है कि अगर रैशनल नंबर p by q के फॉर्म में जिसमें q नॉट इक्वल्स टू 0 होता है तो q की कोई खास प्रॉपर्टी है जो एग्जिबिट होती है. तो q की एक खास प्रॉपर्टी है q जो डिनोमिनेटर होता है ठीक है वो हर बार 2^m इंटू 5^n के फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकता है ठीक है. वो कैसे ठीक है वो इस तरह से जिसमें m और n m and r नॉन नेगेटिव इंटीजर्स मतलब m और n की वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए. क्या नहीं होनी चाहिए नेगेटिव क्लियर है. तो यहाँ पर डिनोमिनेटर जो है q का वो हर बार आपको 2^m इंटू 5^n के फॉर्म में मिलेगा अगर वो रैशनल नंबर है क्योंकि रैशनल नंबर आपका टर्मिनेटिंग होता है. क्या होता है टर्मिनेटिंग जैसे कि मैंने पहले से कुछ थोड़े एग्जांपल ले रखे हैं आप और भी एग्जांपल ले सकते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. जैसे 7/16 है ठीक है टाइम वेस्ट ना इसलिए पहले से एग्जांपल्स ले रखे हैं. तो 7/16 को डिवाइड करेंगे तो 0.4375 आएगा क्लियर है. तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है. ये कौन सा फॉर्म है पी बाई क्यू जिसमें क्यू जीरो नहीं है. क्यू कितना है 16 है डिनोमिनेटर. 16 को हम कैसे लिख सकते हैं 2^4. तो आपका ये फॉर्म क्या बन गया 2^m into 5^n ठीक है. यहाँ पे 5 नहीं है तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2^4 into 5^ क्या 0 क्योंकि 5^0 का मतलब क्या होता है 1. क्या होता है 1. तो हमको पता है 2^4 into 1 क्योंकि ये तो 1 होगा ठीक है. तो वो क्या होगा 2^4 ही होगा. मतलब जो डिनोमिनेटर 16 है इट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ 2^m into 5^n. अगर ऐसा होता है तो आपका रेशनल नंबर क्या होगा उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा टर्मिनेटिंग नेचर का होगा. उसी तरह दूसरा एग्जांपल है 25/100 ठीक है. तो आपको पता है 0.25 आएगा क्योंकि 100 का डेसिमल लगेगा. अच्छा 100 जो डिनोमिनेटर q है उसको आप 2^m into 5^n के फॉर्म में लिख सकते हैं. कैसे 100 के फैक्टर्स क्या होंगे 5 into 2 into 2 into 5 मतलब यहाँ पे हो रहा है 2 का स्क्वायर into 5 का स्क्वायर है ना 2^m into 5^m हो गया वही फॉर्म. तो मतलब ये शो करता है कि q की एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है. q की स्पेशल प्रॉपर्टी क्या होती है q कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ 2^m into 5^m. उसी तरह से जैसे 54/10 हुआ 53/10 हुआ 25/10 हुआ आप कोई भी नंबर अपने आप से भी सपोज कर सकते हैं. तो 54/10 क्या होगा 5.4. तो हेयर डिनोमिनेटर क्या होगा q 10 आपका डिनोमिनेटर क्या है 10. 10 को हम किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं 2 into 5 मतलब 2^1 into 5^1 that is 2^m into 5^n ठीक है ना. तो इस तरह से इसमें हम एक पैटर्न देखते हैं कि अगर रैशनल नंबर है और उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है तो उसका जो क्यू है क्यू मतलब उसका जो डिनोमिनेटर है उसका फॉर्म क्या आएगा 2^m into 5^n. आप और भी एग्जांपल्स देके इसको शो बता सकते हैं सोल्व कर सकते हैं ओके.